मकेरियां दे विच गुंडागर्दी, बेरोजगारी, धक्केशाही, भ्रष्टाचारी इस लैवल ते आ जग्गी जी उन्होंने भी माइनिंग का मुद्दा चक्या, उन्होंने जानलेवा हमला कराया, वो मौत के मुँह चो वापस मुड़ के आए। माणयोग इंदू बाला जी ने जिन्हें वादे किए ना वो उल्ट काम किया। कांग्रेस ने लोगों की हालत इस कदर माड़ी कर दी गई है कि मुकेरियां हल्के तो BSP का कोई उम्मीदवार ही उतारिया जाएगा या फिर अकालिया का होगा। अकाली दल के बहुत सारे इदा के लीडर ने जिहड़े दलित समाज के बिचों और जिहड़े आ लोगों लई काम कर रहे हैं कि BSP गरीबां दी, लाचारां दी, बेरोजगारां दी पार्टी है। पंजाब दे विच जे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाउण दे विच कामयाब हुंदी आ जो कि बनाउणी आ, अकाली ने जिहड़े उह दलित विरोधी ने ते इस समय ही गठजोड़ हो रहे आ। लोग BSP नूं पसंद करदे आ इह तुहानूं 2022 दे विच पता लग। बहुजन समाज पार्टी एक किसी चंगी पार्टी दे नाल समझौता करे और वो जिहड़ी मंग है अज दे समें दे विच पूरी होई। पर अकालिया नूं तां लोक परवान ही नहीं कर रहे, भावें उह बेअदबी दा मुद्दा जिहड़ा सब तों वध उठिया होया उस नूं लै के होवे। ये पंजाब दे विच BJP दे किसी लीडर नूं लोकां ने घरों बाहर नहीं निकलना। भैन कुमारी मायावती नूं असीं तां मुख्यमंत्री दी गल करदे, असीं तां भैन जी नूं प्रधानमंत्री बनाउण दी सोचण डए आ कि असीं भैन जी नूं प्रधानमंत्री बनाईए। बाबू काशीराम जी की तुसीं गल कीती है, उन्हां दा परिवार मौजूदा BSP तों खुश क्यों नहीं? भैन कुमारी मायावती जी नूं असीं अपने रब दे तौर ते देखदे, साडी लड़ाई ही RSS BJP दे नाल। बोल पंजाब ते मैं गुरशरण कौर एक बार फिर तो तुहाडे नाल हाजिर हाँ। तो अज असीं तुहाडे रूबरू करवाउण जा रहे हाँ BSP दे जिहड़े इंचार्ज ने हलका मुकेरियां तो करमजीत संधू जी। पर उस तो पहलां तुहानूं दस दईए कि 303 पिंड इत्थे पैंदे ने ते इहनां दी सियासत जिहड़ा हुण राजनीतिक सियासत किस नज़रिए तो इसनूं देखिया जाएगा, पिंड दे लोकां ने इसनूं तय जरूर करना। पर जदों अकालियां ते BSP दे विच गठजोड हुंदा तां बाकी पार्टियां ते इस गल दा किन्ना असर पैंदा इह वी जरूर जाणांगे। पर सब तों पहलां उहनां दा स्वागत करदे हाँ। सति श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। जय भीम जय भारत। बोल पंजाब TV का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जिन्हां ने अपना कीमती समा कढ के अज साडे नाल गलबात करन लई तैयार होए ने जी। 2017 दे विच तुसीं चोणां लड़ियां सी, उम्मीदवार दे तौर ते उतरे सीगे, पर तुसीं जित नहीं पाए, की कारण मनदे हो इस नूं? सब तो वड्डा कारण इह सीगा भई 2017 दीआं चोणां लई मैं तैयार ही नहीं सीगा, क्योंकि मैं जकदम पार्टी दे विच आया। पार्टी साड़ी बैकग्राउंड जिहड़ी आ शुरू तो ही आ, क्योंकि मेरी पहली वोट बहुजन समाज पार्टी नूं पई है, लास्ट वोट भी बहुजन समाज पार्टी नूं पएगी। और अचानक आउण दे कारण तजर्बा नहीं सीगा, लोकां दे विच BSP नूं लै के बहुत कुछ सरकारां ने गुमराह किया होया सीगा, इह वजह बनी। एक टाइम बहुत घट सी, 30 दिन पहले मैनूं टिकट दित्ती गई, वो 30 दिनां दे अंदर अंदर असीं पूरा जिहड़ा मुकेरियां बहुत वड्डा हैगा आ उहनूं असीं कंट्रोल नहीं कर सके, उहदे विच जा नहीं सके, इह मेजर कारण बणिआ जी। 2022 का समा आने वाला है, गठजोड़ के थोड़ी हुण पार्टी आई है, की तुहानूं लगता है कि मुकेरियां हल्के तो BSP का कोई उम्मीदवार ही उतारिया जाएगा या फिर अकालिया का होगा? देखो साढ़े पंजाब के सूबा सकत्र माणयोग सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी ते साढ़े इंचार्ज सूबा पंजाब रणधीर सिंह बैनीपाल जी की मेहनत के सदका बहुजन समाज पार्टी 2019 तो लग के अज तक के टाइम के बहुत वड्डी उभरी है। जे ये वजह बनी आ कि एक जिहड़ी अकाली दल पार्टी हैगी आ सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ते प्रकाश सिंह बादल जी दी, उहनां दा गठजोड़ साडी पार्टी दे नाल होया और साडी माणयोग भैण कुमारी मायावती जी दे आशीर्वाद दे नाल ये गठजोड़ सिरे भी चढ़ेगा। और सानू पंजाब दे विच समझौते दे अंदर 20 सीटां मिलियां, 20 सीटां दे अंदर जिहड़ी मुकेरियां सीट हैगी आ ये अकाली दल नूं गई आ, ते इक सुभाविक ही आ भी इहदे विचों बहुजन समाज पार्टी दा कैंडीडेट तां इलैक्शन लड़ नहीं सकदा। पर जिहड़ा भी अकाली दल उम्मीदवार मुकेरियां दे विच खड़ा करनगे वो उम्मीदवार नूं असीं बहुत वड्डे फर्क दे नाल जिता के विधानसभा दे विच पहुंचावांगे जी। अकालियां दा किहड़ा उम्मीदवार तुहानूं लगदा है कि बतौर MLA उतारिया जाएगा? सरबजीत साहब भी होणगे, ईश्वर सिंह मंचपुर होणगे या फिर ठाकुर अनिल होणगे, तुहानूं की लगदा? देखो मैं ये अकाली दल जी दा अकाली दल दा इटरनल मामला हैगा आ, वह किहनूं उतारदे आ। साडा तो इक्को ही कम है कि जिन्ना भी BSP का वोट बैंक इतने 35-40 हज़ार के करीब BSP का वोट बैंक जरा खड़ा हो चुका है, हर पिंड शहर के कस्बे घर BSP का बोलबाला पूरी तरह बोल रहा है, क्योंकि BSP गरीबां दी, लाचारां दी, बेरोजगारां दी पार्टी है।
इस करके BSP ने अपना वोट बैंक इतने स्टैबलिश किया आ वोट बैंक अकाली दल पेगा और जोड़ा भी उम्मीदवार अकाली दल खड़ा करेगी उन्होंने असं जता के विधानसभा पहुँचावे। तुसी गया कि तुहानू 20 सीटां दित्तियां गईयां ने अकालियां दे वल्लों जदों BJP दे नाल गठजोड़ हुंदा है अकालियां दा तां उदों 23 सीटां दित्तियां जांदियां ने उहनां नूं ते जदों हुण तुहाडे नाल गठजोड़ हुंदा तां 3 सीटां घट कीतियां गईयां ने की कहोगे इस ते? देखो मैं इस गल ते बहुता ज़्यादा नहीं कहांगा, मैं यही कहूँगा भी पार्टी की सोच बहुत वड्डी आ, 20 सीटां घट ने जां वध ने इह साडी पार्टी जाणदी आ, साडी ड्यूटी मकेरियां 'च लगी आ, असीं मकेरियां दे विच्चों सीट जिहड़ी जिता के उह विधानसभा 'च पहुँचाउणी आ ते 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ BSP ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1996 ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ, MP ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ MLA ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1996 ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ BJP ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ BSP ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਉਹੀ BSP ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਈ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ BJP ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ BSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ,
लोगों को रुजगार तो दूर रखा जा रहा है, लोगों को हर चीज़ जो कि साड़ी फंडामेंटल राइट्स के अधीन आती है चीज़ों तो दूर रखा जाता है, इस करके लोगों गरीबी की हद तक पहुँचा दिता गया आ कि लोगों इन चीज़ों बारे सोचने का समा ही नहीं लगता। पर असी लगातार पिंड जाके केडर कैंप ला रहे हैं, लोगों राजनीति बारे और वोट बारे समझा रहे हैं, छेती जो रिजल्ट हैगा लोग बी एस पी पसंद करते हैं यू 2022 के पता लगेगा जी। 2017 की जेकर आप एक बार मुड़ तो गल करिए उस समय 110 उम्मीदवार सन बी एस पी के जिन्हों जमानत जब्त हो गई सी, उस तो पहला भी 2012 के 109 अजि उम्मीदवार सन जिन्हों जमानत जब्त हो सू लगता है कि इस बार लोग प्रवान करे। तो देखो बहुत चिर तो लोगों की मंग सी कि बहुजन समाज पार्टी एक किसी चंगी पार्टी के समझौता करे और जी मंग है अज के समय के पूरी हुई है। श्रोमणी अकाली दल तो बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ 2022 के सरकार बनाएगा और जोड़ा ये क्वेश्चन बी एस पी लगा हुआ आद लोग जोड़ा 2022 के बहुजन समाज पार्टी अकाली दल की सरकार बना के जवाब दे। तुसी अकाली पार्टी की गल कर रहे हो, अकाली दल तो वैसे ही कहा जाता है कि उन्होंने छवि बहुत ज़्यादा खराब है, तो तुम कह रहे हो कि असी एक अजि पार्टी नाल ही समझौता किया जिन्होंने लोग प्रवान कर रहे हैं, पर अकालियों तो लोग प्रवान ही नहीं कर रहे भावें वह बेअदबी का मुद्दा जो सब तो वध उठा हो उसनों लैके हो फिर तीनों खेती कानूनों लैके हो। देखो असी गल बेअदबी की करते हैं जिहड़ी चीज़ सानू मंजिले मुकाम तक बचाउंदी है जां साडी जिस चीज़ की वजह करके साडियां सरकारां बनदियां, मैं इस गल नूं बिल्कुल नहीं मानता कि अकाली दल ने बेअदबी की होगी, क्योंकि सवालों के घेरे च नहीं की हो सवाल के घेरे च तो असं भी है जिदा तुम सवाल किया भी बी एस पी लोग पसंद नहीं करते या बी एस पी का जोड़ा ग्रेड डाउन होया पाया। देखो एक राजनीतिक स्टंट हैगी है, राजनीतिक तौर पर लोग मैं पहले दस चुका भी लोगों अवेयर होना पैना आ, लोग जो अवेयर होणगे तो उन्होंने बेअदबी बारे भी पता लगेगा तो उन्होंने जिहड़ियां बहुजन समाज पार्टी दी नीतियां अकाली दल दी नीतियां हैगी उहदे बारे भी पता लगेगा। ये एक पोलिटिकल बदनामी है, मैं नहीं समझता इहदा कोई असर लोगों ते पएगा। दोवें पार्टियां ने जिहड़ियां भावें बी एस पी है या फिर अकाली दल है औखे समय दे विचों लंघ रही ने, तुहानूं लगता है कि 2022 दे विच बाकी पार्टियां नूं पछाड़न दे विच कामयाब हो जाएगी और कि मुद्दों नूं लै के अगे आणगे उम्मीदवार? देखो अज असीं बीजेपी की गल करते हैं, बीजेपी का तुहानू हाल पता ही है कि पंजाब दे विच बीजेपी दे किसी लीडर नू लोकां ने घरों बाहर नहीं निकल देना। कांग्रेस का राज ऑलरेडी चल रहा और कांग्रेस ने लोकां दी हालत इस कदर माड़ी कर दिती गई है, मैं मुकेरियां विधानसभा हल्के की गल ही करदा जदों माणयोग हुण महरूम स्वर्गवासी कह लईए आपां माणयोग रजनीश कुमार बब्बी जी उन्होंने इलैक्शन लड़िया जितते उन्होंने 2.5 साल सौं के कढ़े, उस तो बाद लोगों ने फिर उन्होंने जिहड़ी घरवाली आ माणयोग विधायक साडी इंदू बाला जी उन्होंने बनाया और माणयोग इंदू बाला जी ने जिन्ने वादे किए ना वो उल्ट काम किया। सब तो पहले बड़ा वादा किया भी आप एक होस्पिटल बड़ा करा और एमरजेंसी वार्ड लियावे, बिल्कुल नहीं लियाते। सरकारी कॉलेज खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलिया। इतने मंडी जी जिंद सब तो वीड्डी दिक्कत आँगी मकेरियां के किसी सेफ जगह पर ले जा के बनाया जाऊगा, बिल्कुल नहीं बनाई। माइनिंग जड़ा अज का सब तो बड़ा मसला इतों का, माइनिंग के तौर पर उन्हें रो रो के गल की कि मैनू बनाओ मैं माइनिंग की मसला हल करा, तुम यकीन करके मनो दरियावान के संधवाल हाजीपुर के 200-200 फुट माइनिंग हो चुकी है, किसी तो कोई परचा नहीं। जोड़ा बंदा इन्हों के खिलाफ आवाज़ चकदा आ उन्हूं यह किसी ना किसी तरीके दे नाल टॉर्चर करते पहुँचाते हैं। साढ़े इतने आम आदमी पार्टी के MLA इलैक्शन लड़िया मेरे नाल ही उन्होंने जंगी जी उन्होंने भी माइनिंग का मुद्दा चुकया, उन्होंने जानलेवा हमला कराया, वो मौत के मुँह चो वापस मुड़ के आए। मैं ये गल कह सकता कि मकेरियां दे विच गुंडागर्दी बेरोजगारी धक्केशाही भ्रष्टाचारी इस लैवल पर आ, फिर तुम दसो भी पार्टी बचती कि सारिया चीज़ों फिर किमें खत्म करोगे? देखो असी खत्म करांगे, अं प्रशासन लिया के खत्म करांगे, चंगे अफसर लावांगे, चंगीयां पॉलिसियां बनावांगे। जिस तरह भैन कुमारी मायावती जी ने यूपी के उन्होंने 5 साल के राज 1,45,000 गुंडा जेलों से सुटिया, अफसर जोड़े आ लोगों के घर जाने मजबूर कर दते कि लोगों ने तुहाडे कोल नहीं आना, लोग तुसी लोगों को जाना, क्योंकि ये असी सारे नौकर हाँ, असी भी कल पावर चाहते, असी भी नौकर हाँ, असी वो फैसिलिटियां वो लोगों को वो स्वाद लावांगे जिहड़े स्वाद तो लोग जरा पता ही नहीं उन्होंने सुपना हैगा।
असी ये चीज़ा जिहड़ियां अपने प्रशासन अधीन चंगे अफसर लिया के लावांगे, चंगा जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी आ उहदे विच वड्डे लैवल ते सुधार करांगे, और साडी जिहड़ी सरकार हैगी आ इहदे लई वचनबद्ध जी। दलित मुख्यमंत्री की जो भी गल उठती है, शमशेर दुल्लो कहते हैं कि होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री की गल उठती है, दरअसल मुख्यमंत्री की आवाज़ हजे भी नहीं कोई कह रहा कि उप मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लैके आना चाह रहे दलितों को, उप मुख्यमंत्री का रौला जरूर पाया जाता है, शमशेर दुल्लो ने भी आवाज़ उठाई सी। तुहानू लगता है कि पंजाब दे विच वाकई ही जरूरत है कि कोई दलित मुख्यमंत्री के तौर पर आए? देखो जिहड़े मुख्यमंत्री की गल हैगी जे असीं पंजाब की आबादी की गल करिए ते जिहड़ी दलित आबादी आ लगभग 35 to 40% पंजाब दे विच आ, यानी कि पंजाब की पूरी आबादी का तीजा हिस्सा जिहड़ा आ वह दलित आबादी के नाल जुड़िया होया। तो अस ये जिहड़ी असी नॉर्मली जे आप कॉमन सेंस के आधार पर सोचिए तो मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी दलितों विचों ही होना चाहिए, साडी अपनी मंग हैगी आ, पर जिहड़ी साडी अपनी सोच आ भी मतलब जे उप मुख्यमंत्री दे विच भी गल निबड़दी तो निबड़नी चाहिए, हौली हौली अगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अज मुख्यमंत्री बनिया कल नूं मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, आपां समझौता जे साडा इदां ही चलदा रहा तो कल नूं असीं भैण कुमारी मायावती नूं असीं तो मुख्यमंत्री की गल करदे हां, असीं तो भैण जी नूं प्रधानमंत्री बनाउण दी सोचण डए आ कि असीं भैण जी नूं प्रधानमंत्री बनाईए, जदों भैण जी प्रधानमंत्री बन जाणगे तो फिर पंजाब च भारत में एक मुख्यमंत्री क्यों, असीं पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री बनावांगे। आपां यूपी दे विच पंचायती चोणां नहीं लड़ियां गईयां BSP दे वल्लों, तो कांग्रेस का यह कहना है कि BJP की बी टीम के तौर पर काम कर रही, इस करके इन्हां ने नहीं लड़ी। देखो ये एक हासोहीना सवाल है, साहब कांशी राम जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब साढ़े परम पूजनीय हैं, भैन कुमारी मायावती जी असी अपने रब के तौर पर देखते हैं, साड़ी लड़ाई ही RSS BJP के नाल, असी उहदी बी टीम किदां हो सकते हैं, साड़ी आइडियोलॉजी नहीं उन्होंने रलती, साडा सिस्टम नहीं उन्होंने रलता, वो सानू जात बरादरी जो धक्कते हैं असं वो खिलाफ़ है, साढ़े गुरुआ रहबरां की जो असं बाणी पढ़ लीए, सतगुरु रविदास महाराज की बाणी पढ़िए, कबीर महाराज की बाणी पढ़िए, हाँ जी गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़िए, तुसी दसो असी कित्थे मेल खांदा साडा इन्हां दे नाल। यानी कि प्रियंका गांधी के वलों लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है? बेबुनियाद नहीं, ये झूठ है चिट्टा, और जिहड़ा ये बोलने लई मजबूर है, जबकि असी कह सकते हैं कि कांग्रेस और BJP एक प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। तुसीं एक चीज़ देखो, इन दोनों पार्टियां का एको ही निशाना आ कि बहुजन समाज पार्टी नूं भारत देश दे विचों खत्म करना, असी ये असी भुल जाने भी ये खरे दूसरियां पार्टियां लड़ते हैं, असी अक्सर तुसीं देखो स्टेटां दे विच इन्हां ने सैटिंग दे नाल चोण लड़ी है, और इन्हां दी चोण जित्तण दा सब तो वड्डा कारण EVM साबित होई है, और 19-21 का फर्क जिहड़ा कांग्रेस और BJP दे विच रहा, मध्य प्रदेश का इलैक्शन लै लो, राजस्थान का इलैक्शन लै लो, तुसीं देखो उन्हां दा फर्क किन्ना रहा, 2-4 बंदे का फर्क रहा, मतलब कहण दा भाव यह हैगा कि बहुजन समाज पार्टी नूं असीं किसे ना किसे तरीके नाल रोकणा, कारण की आ, कारण यही आ कि वह भारत देश की गल करते आ, यह हिंदुस्तान की गल करते, असीं हिंदुस्तान नूं नहीं मानते हैं। EVM ते सवाल खड़े कर रहे हो, वोटां तां फिर भी EVM दे सहारे ही पैणियां ने, इस नूं किवें देखो? देखो EVM जिहड़ा हैगा आ साडे लई ते वह एक कह लो कि माड़ा काल है जी, जदों दी EVM आई आ साडी हार उदों तो शुरू हो गई, यूपी दे विच साडा गढ़ है, 4 बार साडी सरकार रह चुकी आ, भैण कुमारी मायावती जी साढ़े 4 बार उत्थों दे मुख्यमंत्री रह चुके आ, और लोग ये गल कहिंदे आ कि असीं BSP नूं वोट पा के आउने आ पर साडी वोट निकलदी नहीं हैगी, कई वीडियो आई आ, सब कुछ आया, तुसीं पत्रकार आ तुहानूं ज़्यादा पता आ कि EVM जिहड़ी हैगी आ ਉਹ BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ EVM ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾਪਸੰਦ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EVM ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ EVM ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
इस वोट के पिछे जाना गई ने। यह वोट उस इंसान ने लैके दिती है जिन्हें अपना सारा परिवार वारता। इस वोट नूं समझो और सही बंदे नूं सही पार्टी नूं वोट पावो और तर्क के आधार पर वोट पावो ताँ कि तुसी तर्क करो कि सवाल करो, सुनो ना सवाल करो। मेरी जनता नूं मकेरियां दी नूं भी तो पूरे पंजाब दी नूं यही एक अपील है कि तुसी सवाल करना सीखो। जिस दिन तुसी सवाल करना सीख लिया उस दिन पंजाब दे इक वधिया सरकार बनेगी। एक होर आखिरी सवाल मेरे जहन च आया कि तुसी चुनावी मुद्दे अपने किहड़े लैके आओगे, किस किहड़े मुद्दियां ते चोण लड़ोगे? देखो मुद्दे जिहड़े मैनीफेस्टो आ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਅਤ ਅਤੇ BSP ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।